हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है डिस्क्रिप्शन में आपने सॉरी uh, थंबनेल में आपने देख ही लिया है कि किन दो स्टॉक्स से रिलेटेड बातें करने हैं हम बात करने वाले हैं रूट मोबाइल और मास्टैक दो स्टॉक्स हैं दोनों आईटी से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं उन स्टॉक से रिलीट जानेंगे बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस से मिलती रहे और कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना है और आज की डेट में एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है यहाँ मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ थोड़ा सा तो आपको समझ में आ जाएगी कोई वीडियो की बात कर रहा हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट एक स्टॉक्स ये, ये वीडियो आ चुकी है बालाजी एम जो कि 50 परसेंट लगभग यहाँ पर रिटर्न देने की पूरी चांसेस है यहाँ पर देता हुआ नजर आएगा तो ऐसे ही स्टॉक्स हमें खरीदने हैं जो यहाँ पर नीचे आ चुके हैं और इन स्टॉक्स में एक एकोमोडेशन करके आपको अच्छा खासा पैसा बनता हुआ नजर आएगा तो इन स्टॉक्स में नजरे बनाइए इन स्टॉक को ही खरीदिए यही स्टॉक्स पैसा बना के देंगे आप इधर उधर भागेंगे तो इधर उधर भागने से कोई पैसा नहीं बनेगा तो इस चीज को याद रखिए और बाकी हमारी पर्सनल सर्विस चाहिए तो व्हाट्सएप का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं चार्जर

तो यहाँ पर नाइनटीन हंड्रेड पे हमने खरीदा था उसके बाद जब शेयर में एक जंप थी तो वो लगभग तेईस सौ अस्सी पचासी रुपए तक जाता हुआ दिखाई दिया तो हमें अगर हम देखें तो शॉर्ट टर्म में ही और ज्यादा नहीं टाइम नहीं हुआ मुश्किल से आ, आ, वीक भी नहीं हुआ ओके मैंने सॉरी मंथ भी नहीं हुआ और इससे अच्छे कितने लगभग चौबीस परसेंट के रिटर्न मिल गए थे इफ आई एम रॉन्ग तो मैं आपको यहाँ पर एक बार दिखा देता हूँ कि हमने यहाँ पर रूट मोबाइल से रिलेटेड कब बात करी थी रूट मोबाइल यहाँ पर एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगी एक वीक पहले ही यहाँ आप पर आपके सामने यहाँ पर वीडियो बनाई थी ओके आ, रूट मोबाइल स्टॉक एनालिसिस तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चार हजार का टारगेट दिया था तो एक वीक के अंदर अंदर ये पहले उन्नीस सौ रुपए का स्टॉक चल रहा था और हमें कितने आ, कितने अच्छे खासे रिटर्न मिलते हुए नजर आए हैं वो आप खुद देख सकते हैं तो ऐसे ही स्टॉक्स हम चुनते हैं कि बीस परसेंट के रिटर्न हमें बहुत जल्दी मिलते हुए दिखाई दे हमें अच्छे खासे रिटर्न मिलते हुए दिखाई दे और यहाँ से स्टॉक रिट्रेस हो गया है ओके और इस बार यहाँ पर शेयर एक बेहतरीन लेवल पर आ गया है और यहाँ से जब अब शेयर भागेगा तो अब टारगेट मेरा तीन हजार रुपए का पहला टारगेट है तीन हजार रुपए के बाद यहाँ पर

कहीं ना कहीं कोई जियो का क्लाउड यूज़ करता है तो कोई आईफोन का क्लाउड यूज़ करता है तो मेमोरी वगैरह रखने के लिए तो इस चीज़ पर याद रखिए अपने डेटा को रखने के लिए तो इस चीज़ पर याद रखिए सारी चीज़ें हर कोई यूज़ करता है आपको बस पता नहीं रहती इसके अलावा देयर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें देखिए यहाँ पर मैसेजिंग वॉइस ई मेल एस एम एस एनालिटिक्स एंड मोनिटाइजेशन से रिलेटेड कंपनी काम करती नजर आती है बहुत पुरानी कंपनी है ओके okay, अच्छा खासा कंपनी यहाँ पर काम करती नजर आती है दो डिकेट्स ऑफ एक्सपीरियंस इनके

और वो भी किस्मत ट्वेंटी ट्वेंटी वन फॉर्च्यून फाइव हंड्रेड कंपनीज मतलब यहाँ पर फाइव हंड्रेड कंपनी है टू ग्लोबल फॉर्च्यून कंपनीज भी यहाँ पर एडेड है और यहाँ पर मैसेजिंग से नाइनटी सेवन परसेंट का रेवेन्यू ट्वेंटी ट्वेंटी में आता था कॉल सेंटर से थ्री परसेंट यहाँ पर रेवेन्यू आता है मेजर कस्टमर्स की बात करें उधर टू मेजर कस्टमर्स है जो कि दस परसेंट का रेवेन्यू देते हैं और पांच इन क्लाइंट से ही फोर्टी परसेंट का रिवेन्यू आता हुआ दिखाई देता है ये दो हजार की बात चल रही है जो कि पहले पच्चीस परसेंट था तो यहाँ पर ये चीज बढ़ती हुई नजर आती है की बात करें एक्सपोर्ट 81% से है, और, यहाँ पर करती हुई नजर और अभी फिलहाल में भी एक करी थी और उस वीडियो में मैंने बात भी करी है तो कंपनी काफी बेहतरीन है कंपनी में कोई परेशानी नहीं है और अगर हम यहाँ पर बात करें इसके रिजल्ट की तो यहाँ पर रिजल्ट तो देखिए देखिए फाइनेंशियल देख लेते तो हैं

प्रमोटर्स की होल्डिंग 65.12 परसेंट है एफ ने होल्डिंग 15 परसेंट है डी की लगभग 6 परसेंट है पब्लिक की बात करें 13.94 परसेंट है और 13.94 परसेंट की होल्डिंग अच्छी खासी पब्लिक में भी बड़े बड़े लोगों में लोगों के पास होगी थोड़ी बहुत होल्डिंग की होगी जो हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है तो इस चीज़ को समझने की जरूरत है तो ये बेहतरीन एक शेयर है जो कि एक अच्छे प्राइस पे आपको मिल रहा है 50 डी के नीचे जब भी आता है शेयर थोड़ा सा कंसोलिडेट करते भागता है मेरा टारगेट सबसे पहले तो यही है ये यह टारगेट यहाँ पर अचीव होगा तो इसके बाद दूसरा दोबारा भागता हुआ नजर आएगा तो 24 परसेंट के तो नहीं कहूंगा बट 20 परसेंट के रिटर्न अभी भी आपकी प्लेट पे रखे हुए हैं जो की आपको आप चाहे तो इसे यूज कर सकते हैं शेयर Uh, यहाँ पर देखिए अच्छा खासा पहले भागता है पोलैंड फ्लैग बनाता है, फिर पोल फिर पोल है तो मुझे नहीं लगता है ये गिरेगा, क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर एक सपोर्ट लिया था इसी सपोर्ट को ये इसी लेवल को सपोर्ट मान के ये शेयर ऊपर की तरफ भागता हुआ नजर आएगा यहाँ पर लगभग लगभग शेयर बात करें बीस परसेंट डाउन हो चुका है जब से यहाँ पर ऑल टाइम अपना हाई लगाया है तो एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपके सामने क्रिएट होती हुई नजर आ रही है इस अपॉर्चुनिटी को आप किस तरीके से देखते हैं यहाँ पर कमेंट करके जरूर बताएं क्योंकि मुझे जो चीज नजर आती है वो मैं यहाँ आप पर आपके साथ शेयर भी करता हूँ चीज़ें यहाँ पर भागती हुई नजर भी आती है जब हम यहाँ पर चीज़ें खरीदते है। तो हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ सम स्टडी हम यहाँ पर खरीदते हैं हम ऐसे ही यहाँ पर चीज़ें नहीं खरीदते तो इस चीज़ को आप भी जानते हैं आप हमसे काफ़ी एक साल डेढ़ साल हमें हमारे चैनल को हो चुका है तो हम यहाँ पर अच्छी रिकमेंडेशन इसी तरीके से देते हुए नजर आते हैं और यहाँ पर देखें तो देखिए तीन हज़ार उनतीस का टारगेट यहाँ पर साफ नजर आ रहा है तो यहाँ पर अच्छे खासे टारगेट के लिए आप यहाँ पर जा सकते हैं अब बात करते हैं एक और स्टॉक स्टॉक्स जिसका नाम क्या है जिसका नाम है मास्टैक मास्टेक की अगर मैं बात करूं तो मास्टेक यहां पर आप देख सकते हैं आई टी एक आई रिलेटेड कंपनी है चार्टिकट से ज्यादा है चालीस साल से ज्यादा यहां पर कंपनी को हो चुका है कंपनी काफी बेहतरीन यहां पर नजर आती है यहां पर फुल तो और कभी बात करेंगे बट बात करें मार्केट कैप की स्मॉल कैप कंपनी है डेट की बात करें अठारह का डेट है कोई प्राइसिंग नहीं है तीस सौ चौबीस की आर एस आर ओ पे कंपनी काम करती है जो की काफी बेहतरीन है देखिए लगभग सैंतीस सौ रुपए से कंपनी अट्ठाईस कुछ पे ट्रेड कर रही है तो ये सारी चीजें देखने वाली होती है तो इस चीज को समझने की जरूरत होती है मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखिए इस तरीके से रहा है और अभी बात करें एक अच्छा खासा यहां पर कंपनी हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आती है और अगर हम बात करें इसके रिजल्ट की तो देखिए अभी सेल्स की बात करेंगे तो क्वार्टरली बेसिस पे हाइस्ट एवर अभी की भी सेल्स थी क्वार्टरली बेसिस पे हाइस्ट एवर प्रॉफिट था ओके okay, यहां पर देखिए हाईएस्ट लेवल सेल्स हाईएस्ट लेवल प्रॉफिट और कंसिस्टेंसी के साथ ऐसा नहीं है कि कभी ज्यादा आ गया कभी कम आ गया कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पर देखिए पर बस चौबीस हुआस चालीस इक्यावन सेवेंटी टू तो यहां बढ़ती हुई नजर आ रही है चीजें रिजर्व सेल्स की बात करें ईयरली बेसिस पे हाइस्ट लेवल यहां पर पिछले बारह महीने की सेल्स दो लगभग दो हजार करोड़ की नेट प्रॉफिट की बात करें तो दो सौ साठ करोड़ का हाइस्ट लेवल प्रॉफिट तो ये सारी चीजें क्या बता रही है ये सारी चीजें बता रही है मैनेजमेंट कैसे काम

उमंग एक पर्टिकुलर एक एन आई है उन्होंने पांच परसेंट की होल्डिंग राकेश ने उम्मीद सिंह तो लोगों ने चीजें खरीद ली है यहां पर देखिए कितनी कम हुई है जून से अगर बात करें फोर्टी से थर्टी सेवन हुई है लगभग कह सकते हैं सात कम हुई है इसके अलावा यहाँ पर एक कम हुई है यहाँ पर लगभग तीन कम हुई है तो सात और तीन दस ग्यारह परसेंट की की कम हुई है और यहाँ पर आप देखेंगे पांच और, और चार चार आठ आठ और आठ और पांच तेरह मतलब यहाँ पर देखिए तो पब्लिक अच्छी खासी शेयर होल्डिंग है जो भी वाली हुई है, बड़े लोगों ने उठाई है किसी एरेगेरे ने नहीं, नहीं उठाई है और यहाँ पर अगर हम बात करें मास्टेक की तो मास्टेक एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी देता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि शेयर ऑलरेडी बहुत यहाँ पर गिर चुका है और दोबारा फिफ्टी डीएमए का सपोर्ट लेके यहाँ पर आ रहा है थर्टी की गिरावट 50 डी uh, फिफ्टी को सपोर्ट ले रहा है एक बेहतरीन यहाँ पर जो uh, ये वाला सपोर्ट है उसी को यहाँ पर बार बार uh, ये कर रहा है कल की डेट में शेयर यहाँ पर लगभग सात आठ परसेंट भागता हुआ दिखाई दिया था उसके बाद फिर दोबारा गिरावट होती हुई नजर आई बाद में जब मार्केट गेरा मैंने बाद में फिर यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी समझ के चीजें यहाँ पर मैंने खरीदी है तो यहाँ पर अग, आपको बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पर देख सकते हैं जब भी फिफ्टी डीएमए के आसपास चीजें आई है थोड़ी यहाँ पर कंसोलिडेशन हो सकता है और कंसोलिडेशन होने का चीजें दोबारा निकलेगी और इस बार का टारगेट इसका चार हजार रुपए का है इस अकॉर्डिंग टू मी तो यहाँ पर इन शेयरों की तरफ ध्यान दीजिएगा क्योंकि नंबर्स बढ़िया आ रहे हैं कंपनी बेहतरीन है आर ओ ई काफी बेहतरीन है यहाँ पर जो भी शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो बेहतरीन यहाँ पर नजर आ रहा है सब चीज नजर आ रही है अच्छी और जब चीजें अच्छी यहाँ पर नजर आती है तो चीजें यहाँ पर बेची नहीं जाती है चीजों को यहाँ पर खरीदा जाता है थोड़ा सा टाइम देंगे फिर चीजें भागती हुई नजर आएगी वॉल्यूम्स बेहतरीन है ही तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ही बता सकते हैं हमारी वीडियोज को लाइक कमेंट शेयर करिए कोई क्वेरीज हो तो कमेंट करे और हमारी पर्सनल चार्जेज चार्जेबल सर्विस चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप पे तो आइए तो थैंक यू सो मच गॉड गॉडप